किसानों से हाथ मिलाने के बजाय सरकार उनसे पंजा लड़ा रही है। किसानों से आंख मिलाने की बजाय सरकार उन्हें आंख दिखा रही है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आपको बता दें कि हुड्डा आज चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हरियाणा की जनता को बहुत महंगी पड़ रही है। सरकार की नीतियां जनता को गरीबी और महंगाई की खाई में धकेल रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी और किसानों की लागत और प्रदेश पर कर्ज में इजाफा हो रहा है। हर वर्ग सरकार से हताश और निराश है। ये सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि अपनी नाकामियों को सरकार विपक्ष पर थोपना चाहती है, जबकि उसे आत्ममंथन करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि 2 साल पहले हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी के नेता आज जनता के बीच क्यों नहीं जा पा रहे हैं। किसानों के प्रति सरकार का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से आंदोलनरत किसानों को सरकार अब मंडियों में परेशान कर रही है। रजिस्ट्रेशन, नमी, मिश्रण और मैसेज का बहाना बनाकर गेहूं की खरीद में देरी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गेहूं खरीद में मानक नमी की मात्रा को 14 से घटाकर 12% और मानक मिश्रण की मात्रा को 0.75 से घटाकर 0.50% करना किसान विरोधी फैसला है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी गेहूं खरीद के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई सभी दावों की पोल खुल गई। वहीं हुड्डा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी तरह से विफल करार दिया है। उन्होंने बताया कि RTI के मुताबिक बीमा कंपनियों ने किसानों के 75% से अधिक दावों को खारिज कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों के 56% पद खाली पड़े हैं। सरकार को बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने डॉक्टर भर्ती किए और कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। हुड्डा ने कहा कि सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, स्कूलों में भी स्टाफ की भारी टोटा है और सरकारी स्कूलों में टीचर्स के करीब 45,000 पद खाली पड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धान, शराब और रजिस्ट्री घोटाले के बाद कैग रिपोर्ट में भी कई और घोटालों का खुलासा हुआ है, लेकिन सरकार बाकी घोटालों की तरह इन्हें भी दबाना चाहती है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। देखिए, जो आजकल गेहूं की प्रोक्योरमेंट चल रही है और सरकार ने विधानसभा में बड़े बड़े दावे किए थे कि 1 अप्रैल के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरे उससे मिलेगी, लेकिन उससे विपरीत हो रहा है। आज किसान को जो मेरा ये है ना, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है। कोई समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता, तो मैं अपने खेत में नहीं छोड़ सकता, क्यों बारिश का होते सब खराब हो जाएगी। मैं पहले अपनी फसल को घर लेके जाऊं, फिर घर से जब मैसेज आए मंडी में लेके आऊं, उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेगा। अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मबंधन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई, क्यों लोगों के साथ हाथ क्यों नहीं बढ़ा के चलते। ये उन लोगों ने चुनी है सरकार, जो 2 साल पहले 10 की 10 सीट जिस पार्टी की आई हूँ, आज वो सरकार JJP और BJP की सरकार हरियाणा में केवल विश्वास नहीं,
कॉन्फिडेंस तो लोगों का खो ही चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है, विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी भी इस सरकार की खत्म हो चुकी है लोगों ने। और आपको कोई सवाल पूछे कोई राजनीतिक, ये देखिए अपनी विफलताएं दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए, विपक्ष पे। ये किसानों की बात करते हैं, किसान का आंदोलन कोई राजनीतिक दल नेतृत्व नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं स्वयं, किसान खुद करते हैं, किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि उनकी मांग जायज है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक